नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। सॉरी फॉर द डिले, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये चैप्टर सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से, आप लोग एनसीईआरटी खोल सकते हैं अपनी। चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, पेज नंबर 468। बच्चों, चैप्टर बहुत बड़ा है, टीडीएस है, लंबा है। वेटेज इसका जो है 7 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलने हैं। और सीबीएसई में कंबाइंड वेटेज है 7 इसके और 5 कम्युनिकेशन सिस्टम के, कुल मिलाकर 12 नंबर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 मार्क क्वेश्चन भी इसमें से। मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कुछ तो कंसेप्चुअल बनते हैं जो पीएन जंक्शन पर बेस्ड होते हैं या डायोड्स पर बेस्ड होते हैं, जिनर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ग्राफ भी पूछा जा सकता है, करेक्टरिस्टिक्स। और जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो है ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसमें कुछ चीजें सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, वो समझ लें ध्यान से इस चैप्टर में। तो मैं सब मार्क करवा देता हूं आपको। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल लेक्चर आपको देखना होगा और मोटी मोटी बात करें तो चैप्टर एट ए ग्लांस रिवाइज कर लेते हैं। इन ए वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय हीटेड कैथोड एंड द कंट्रोल फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम is obtained by varying the voltage between its different electrodes. ऐसा तो होता है वैक्यूम ट्यूब डायोड्स में, जो पुराना वर्जन था। वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस, अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में लूज देयर एनर्जी ऑन कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ। इन दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए इन डिवाइसेस को वाल्व्स बोला गया। तो वाल्व इलेक्ट्रॉनिक चला करती थी पहले। दीज वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेज आर बल्की, इनके साथ डिसएडवांटेज थी, भारी, कंज्यूम हाई पावर, ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेजेस, 100 वोल्ट के ऑर्डर के वोल्टेज को चाहिए थी, एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा थी, रिलायबिलिटी कम। तो हमने स्विच किया सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स पर, जिनको कोई एक्सटर्नल हीटिंग या लार्ज इवेक्यूटेड स्पेस नहीं चाहिए थी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को साइज में स्मॉल होते हैं, लो पावर कंज्यूम करते हैं, लो वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं, लाइफ भी लॉन्ग है और रिलायबिलिटी ज्यादा है। तो जितने भी वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स थे, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंट्रोड, सबको रिप्लेस कर दिया गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कस सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक जंक्शन डायोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, 3 इलेक्ट्रोड वाला डिवाइस है, और कुछ सर्किट्स जो कि इनके एप्लीकेशंस को इलस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जबकि सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड भी होते हैं, सीडीएसए, जीएएस, गैलियम आर्सेनाइड, सीडीएसए, इंडियम फॉस्फेट एटसेट्रा। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के नाम जो है वो राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे याद करें, सीबीएसई वाले छोड़ सकते हैं, जैसे पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन एटसेट्रा, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंथ्रासीन, डोप्ड, थायलोसाइनेंस एटसेट्रा। और हमें जो थ्योरी पढ़नी है सारी बेस्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड का आइडिया लेना होगा आपको इस ब्लू बॉक्स से, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो वहां पे आपको सिंप्लीफाइड मिल जाएगा। बैंड फॉर्मेशन, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड्स, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड कैसे बनते हैं, उनके बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है, सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर आपको समझाना आना चाहिए। फिर ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने आने चाहिए कि कंडक्टर है तो ओवरलैपिंग होगी,
वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इंसुलेटर है, और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर है। तो ये डिटेल यहां पर मौजूद है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें चार्ज कैरियर को हम दिखाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, एन इक्वल टू एन एच, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, और एन आई से इंडिकेट करते हैं। किसी भी सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट के बराबर होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो होल चलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर इलेक्ट्रॉन करंट चलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में होल करंट। इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ जनरेशन है वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर। रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का होल के साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराता है किसी होल के साथ। तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको सॉल्ट एग्जाम्पल 14.1 करना है कि कार्बन को क्यों सेमी कंडक्टर कैटेगरी में नहीं रखा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए हम इंप्योरिटी मिक्स करके बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फ्यू पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में सूटेबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, कंडक्टिविटी क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग वो प्रोसेस है जिससे हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, केमिस्ट्री के साथ कॉमन पोर्शन है, आपको आना चाहिए। तो जो इंप्योरिटी एटम्स हैं उनको हम बोलते हैं डोपेंट्स, और नए सेमीकंडक्टर जो बन गए उनको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपेंट का साइज ऐसा होना चाहिए कि सेम साइज का क्रिस्टल हो जिसमें ओरिजिनल क्रिस्टल का जो साइज है वही डोपेंट का साइज हो, जिससे कि क्रिस्टल डिफॉर्मेशन ना आए। नेसेसरी कंडीशन टू अटेन दिस इज द साइज ऑफ द डोपेंट एंड द सेमीकंडक्टर एटम शुड बी नियरली द सेम। दो तरह के डोपेंट्स हम यूज करते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कि आर्सेनिक जो है वो मिक्स किया तो किस तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा, तो पेंटावेलेंट अगर मिलाएंगे आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस बिस्मथ जो इसमें मेंशन नहीं है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ट्राइवेलेंट मिलाएंगे एल्यूमिनियम इंडियम बोरोन तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिक डिटेल पढ़ के समझनी होगी। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसमें होल ज्यादा होते हैं, नोट दैट द क्रिस्टल मेंटेन्स एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। भले ही एन टाइप जो है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, फिर भी दोनों ही एन टाइप और पी टाइप अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। होल के लिए हम बोलते हैं कि होल नीचे की तरफ जाएगा, सिंक्स डाउन इनटू वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोलते हैं कि वो राइज अप ऊपर की ओर जाएगा एक्सटर्नल एनर्जी लेकर। थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन जो है सेमीकंडक्टर में इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल करने आने चाहिए, 4.12 जो है वो इसी पर बेस्ड है, सॉरी 14.12 पीछे एक्सरसाइज का, Ne into NH equal to Ni square। ये रिलेशन हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे N type बन जाए, चाहे P type बन जाए। कुछ एनर्जी गैप की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, डायमंड के लिए 5.4 है, सिलिकन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7। टिन भी ग्रुप 4 का एलिमेंट है, पर यह मेटल है क्योंकि इसका एनर्जी गैप जो है 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन सीधे जो वैलेंस बैंड के पास है कंडक्शन बैंड को अवेलेबल हो जाएंगे। सॉल्ट एग्जांपल 14.2 आपको करना है। पी और एन टाइप को जोड़ के हम बनाते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के लिए आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पूछे गए हैं 2013 में 2012 में, उसके बाद रिपीट हुआ है दो बार और। तो पीएन जंक्शन में जो इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस है, एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, पी साइड से होल्स और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं आपस में, और ड्रिफ्ट होता है जो इमोबाइल आयंस इकट्ठे हो जाते हैं नियर द जंक्शन, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट कराता है।
जबकि डिफ्यूजन होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर का. तो इसमें आप क्लैरिटी ले आए, ड्रिफ्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस. डिप्लीशन लेयर के पास जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर. ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है. एग्जांपल 14.3 आपको करना है कि पी टाइप एन टाइप लेकर अगर जंक्शन बनाना है तो फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेक्शन चाहिए एटॉमिक लेवल पर, तो स्पेशल प्रोसेस हम यूज करते हैं. अगर पीएन जंक्शन में दो इलेक्ट्रोड जोड़ दी जाए तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, उसका सिंबल है जिसमें ये एरो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट कर रहा है. यदि इसे फॉरवर्ड बायस किया जाए, फॉरवर्ड बायस का मतलब पी साइड को पॉजिटिव सर्किट में जोड़ने पर और एन साइड को नेगेटिव पोलैरिटी दी जाए. प्रैक्टिकल में आपके सिलेबस में थे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको तैयार करने हैं. फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है किस तरह से, रिवर्स बायस में इंक्रीज हो जाता है किस तरह से, ये थ्योरी आपको तैयार करनी है. माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़कर देखें. एन साइड को पॉजिटिव, पी साइड को जब नेगेटिव दिया जाता है तो रिवर्स बायस कहलाता है डायोड. यहाँ पे रिवर्स बायस क्या है, करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली वोल्टेज डिपेंडेंट अप टू क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट जो है शार्पली तेजी से इंक्रीज होती है, जो कि हम ग्राफ में देख सकते हैं. ये प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में था, इस ग्राफ को अच्छे से तैयार करें. फॉरवर्ड बायस में शुरू में 0.6 वोल्ट जो कि बैरियर पोटेंशियल है, तब तक अगर डायोड सिलिकॉन का है कोई करंट फ्लो नहीं होता, उसके बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है. जबकि रिवर्स बायस करने पर नेग्लिजिबल माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की करंट फ्लो होती है बिफोर ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन होने के बाद करंट एकदम से बढ़ती है. तो इसे फिगर 14.16 को तैयार करें. ये वोल्टेजेस लिखी हुई है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.2 जबकि सिलिकॉन के लिए 0.7, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है ऑर्डर ऑफ 0.2 से 0.3 वहां 0.6 से 0.7. द पीएन जंक्शन डायोड प्राइमरी अलाउज द फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज लो, लगभग 100 ओम माने तो रिवर्स बायस में 10 किलो ओम होता है, यानी इसका 100 गुना. इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम एसी को डीसी में बदलते हैं थ्रू द प्रोसेस रेक्टिफिकेशन. डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ लें. जब भी चेंज का रेशियो लिया जाएगा उसे डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो चेंज हो रहा है. तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इज डायनामिक रेशियो रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस. तो सॉल्व एग्जांपल 14.4 कर लें, इससे क्लियर हो जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस. इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर के आने के चांसेस कम है. हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक वेव के कोरस्पॉन्डिंग एक पल्स मिल रही है, तो आउटपुट की भी 50 हर्ट्ज रहेगी. फुल वेव रेक्टिफायर के आने के चांसेस ज्यादा है, जिसमें हम सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर भी बना सकते हैं. नोट दैट देयर इज अनदर सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर व्हिच डज नॉट नीड अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बट नीड्स 4 डायोड. या वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, डिटेल लेक्चर में ब्रिज रेक्टिफायर वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, बना के समझाया हुआ है. तो यहां पर यह है सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, जिसमें सेंट्रल टैप यूज करके हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया. इसको तैयार करें, जब भी सर्किट बनाए इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाने जरूरी है, उसके बिना अधूरा है. तो पूरा डिस्क्रिप्शन इसका, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पड़ेगा, मेनली सर्किट इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म अच्छे से तैयार करें, कैसे काम करते हैं अपने मन से लिख सकते हैं आप वहां पे. टाइम कांस्टेंट तैयार कर लें, किसको कहते हैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर सी एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरएल 1/RC यूज्ड इन द सर्किट एंड कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. टू मेक द टाइम कांस्टेंट लार्ज वैल्यू ऑफ सी शुड बी लार्ज. सो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर्स यूज लार्ज कैपेसिटर. जो ये डीसी मिल रहा है हमको, ये फ्लक्चुएट करा, फ्लक्चुएटिंग है. इसको स्मूथ करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं रिपल्स को कम करने के लिए. फिल्टर सर्किट में हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं एज कैपेसिटर फिल्टर. उसका इंपैक्ट आप यहां देख सकते हैं ग्राफ में. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि कैपेसिटर का इफेक्ट बताइए क्या होगा, तो आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाना है कि कैपेसिटर पीक टू ट्रफ डिस्टेंस को कम कर देता है. जो एसी इनपुट था रेक्टिफायर का वो ये है. यहाँ डीसी आउटपुट जो है डॉटेड लाइन से दिखाया है, दिस वॉज डीसी आउटपुट जो कि फ्लक्चुएटिंग है.
और कैपेसिटर ने उसको स्मूथन कर दिया और बना दिया ये, जिसे पैरेलल में लगा रखा हमने। फिर आपको स्पेशल पर्पस डायोड में जीनर डायोड इसे तैयार करना है। हर डायोड के लिए आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो जीनर डायोड को रिवर्स बायस में काम में लिया जाता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए डिजाइन होता है। जीनर डायोड के सिंबल में थोड़ा सा चेंज है पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। जीनर डायोड की ये जो प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज कांस्टेंट रख रहा है, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई बनाने में जीनर डायोड को यूज करते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वह जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। हालांकि दो ही नंबर का क्वेश्चन है, अब वो किस तरह से पूछेंगे इसके साथ पूछला क्वेश्चन एक नंबर का जोड़कर तीन नंबर बना सकते हैं, तो जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर जरूर तैयार कर लें, ये सर्किट उसमें आएगा। सॉल्व एग्जांपल 14.5 आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा कि लोअर साइड में भी कैसे वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, क्योंकि जीनर करंट हम लेते हैं अराउंड 5 टाइम्स ऑफ लोड करंट, 5 गुना लिया जाता है जीनर करंट को। फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक यानी लाइट से ऑपरेटेड वाले डिवाइसेस में बात करें तो फोटो डायोड, इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको तैयार करने हैं। फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों लगाया जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि चेंज इन करंट विद चेंज इन लाइट इंटेंसिटी अगर रिवर्स बायस में तो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको आप इस सॉल्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं कि परसेंटेज चेंज ज्यादा मिलता है हमको रिवर्स बायस में। नीचे लगा हुआ नोट पढ़ लें, इससे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, एलईडी के बारे में है। लाइट एमिटिंग डायोड को तैयार करें हैवीली डोप पीएन जंक्शन, रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इसमें तैयार कर लें कि एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बीच है तो ही विजिबल लाइट निकलेगी, और उसके लिए एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जिसका गैप इस रेंज में होता है। अलग अलग कलर के लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जो यहाँ मेंशन है। बाकी जो है गैलियम आर्सेनाइड जिसका एनर्जी गैप बैंड गैप यहाँ पे दिया 1.4, कुछ जगह 1.45, कुछ जगह 1.5 भी लिखा है इसी किताब में, तो गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड रीजन में लाइट एमिट करेगा, तो इंफ्रारेड एलईडी बनाने के काम आएगा। एलईडी के करेक्टरिस्टिक्स बुक में नहीं दिए हैं, इसको तैयार कर लें, वैसे होते जैसे फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के करेक्टरिस्टिक। ये अलग अलग कलर के लिए रेड आप विवगियर के रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं और मार्क कर सकते हैं 3-4 ग्राफ। एडवांटेजेस तैयार कर लें एलईडी के, आसान है, लो ऑपरेशन वोल्टेज, लेस पावर कंजम्पशन, फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम, रफ एंड टफ है, लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। सोलर सेल इसको भी तैयार करना है आपको, जिसमें जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रोसेसेस। सोलर सेल में होने वाले 3 बेसिक प्रोसेस जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन को पढ़ लें और समझ लें यहां से, तो आसान है। IV करेक्टरिस्टिक सोलर सेल के फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों है वो एक्सप्लेन किया गया है, उसको समझें। सोलर सेल बनाने के लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल क्या क्या है, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और ये बाकी जो सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड दिख रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड याद रहे तो काफी है। कारण क्या है इनको चुनने का, तो बैंड गैप जो है 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ऑर्डर ऑफ 10^4 पर सेंटीमीटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल ये सूटेबल होने चाहिए, कॉस्ट सूटेबल होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम मटेरियल चूज करते हैं। सिलिकॉन के बने सोलर सेल आजकल कमर्शियली अवेलेबल हैं, इनके एप्लीकेशन सैटेलाइट में, स्पेस व्हीकल्स में और आजकल हम घर की छतों पे भी लगा रहे हैं। यहाँ समझाया गया सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को क्यों प्रेफर करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए, तो सोलर रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं, मैक्सिमम रेडिएशन जिस एनर्जी रेंज में आ रहा है उस एनर्जी गैप वाले जो सब्सटेंस होंगे वो इजीली अब्सॉर्ब करेंगे उसको। जंक्शन ट्रांजिस्टर में बीजेटी 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बार्डिन, जे बार्डिन, ब्रिटन एंड शॉकले। किसी ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन आपको तैयार करनी है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। बेस थिन और लाइटली डोप्ड होता है एमिटर, मॉडरेट होता है साइज में, हैवीली डोप्ड होता है कलेक्टर, लार्जेस्ट होता है साइज में, और सॉरी एमिटर हैवीली डोप्ड होता है और कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड होता है।
जो नाम है वही काम है, एमिटर का काम एमिट करना है, ठूस ठूस कर भरा जाता है इसमें हैवीली डोप। बेस बेस प्रोवाइड करता है लाइटली डोप, इसका काम है कंट्रोल करना। कलेक्टर गोदाम की तरह इसको इकट्ठा करना है, तो साइज में बड़ा बनाया है, और पहले से भर देते तो और नहीं आते, इसलिए मॉडरेटली डोप्ड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कि कंस्ट्रक्शन हो गई, दोनों सर्किट सिंबल तैयार कर लें, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। एनपीएन है तो एरो जो है वो बाहर की तरफ, क्योंकि करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एनपीएन यानी बेस पॉजिटिव पी टाइप। और पीएनपी है तो एरो अंदर की तरफ, क्योंकि करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ट्रांजिस्टर के डिफरेंट यूज हैं जिसमें आपको तैयार करना है। एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग यहां से समझ सकते हैं, हालांकि वर्किंग पूछे जाने के चांसेस नहीं है। वर्किंग जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में समझाई गई है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसकी वर्किंग को यहां से समझा जा सकता है, और ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे अगर वर्किंग पूछी जाएगी, जिसके चांसेस लेस देन 10% है। इसमें याद रखें कि एमिटर करंट होती है कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई वी। कलेक्टर करंट लगभग एमिटर करंट के बराबर होती है, दोनों मिली एम्पियर के ऑर्डर की, और बेस करंट नेग्लिजिबल होती है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। हमारे सिलेबस में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर सिलेबस में नहीं है। कॉमन बेस की एलिमेंट्री डिटेल तैयार करनी होती है बस समझने के लिए। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से तैयार कर लें, ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी आपके है। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए सर्किट डायग्राम बनाकर ड्रॉ करके आपको समझाना होता है। तो सर्किट डायग्राम को लॉजिकल सीक्वेंस में बनाना सीख लें रटने की बजाय, उसके लिए वीडियो चलाकर देख लें सेमीकंडक्टर वाला। यह है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और यह है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करेक्टरिस्टिक की मदद से हम करंट गेन कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इनपुट करेक्टरिस्टिक्स से वो निकालना आना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन बीटा वो कैलकुलेट करना आपको सीखना है ग्राफ से। ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस में ये जो सर्किट है ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच सीबीएसई में नहीं है, अच्छा राजस्थान बोर्ड वालों को तैयार करना है उनके है। ये ग्राफ मस्ट है सभी बच्चों को, सभी बोर्ड वाले बच्चों को तैयार करना है ग्राफ, जिसमें से पता चलता है कि तीन रीजन में ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। एक्टिव रीजन में हम काम करवाते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, क्योंकि एक्टिव रीजन में एम्पलीफिकेशन लार्ज मिलता है। कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन स्विचिंग के लिए है, सेचुरेशन रीजन में स्विच ऑन स्टेट होगी, कट ऑफ में स्विच ऑफ स्टेट। तो जब एम्पलीफायर पूछा जाएगा तो एक ग्राफ भी बनाना है आपको, और एम्पलीफायर की डिटेल उठानी है यहाँ से, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये डिटेल आपको तैयार करनी है सेकेंड पॉइंट से। डिटेल यहाँ से तैयार करेंगे पर सर्किट यहाँ से तैयार करें, फिगर 14.32 एम्पलीफायर का ये सर्किट। अच्छा यहाँ जो डिटेल दी हुई है वो मिसलीडिंग है, मिसगाइड करेगी आपको, ये डिटेल आप छोड़ दें। आर्टिकल 14.9.4 एम्पलीफायर की डिटेल पहले वाली जो है इसको तैयार करें, यहाँ वाली इसको छोड़ दें। हाँ सर्किट यहाँ से तैयार करना है, C1 और C2 दो कैपेसिटर हमने लगाए डीसी को ब्लॉक करने के लिए, कि इधर से डीसी इधर जाकर इनपुट सिग्नल को डिस्टोर्ट ना करें, और इधर से डीसी इधर आकर आउटपुट सिग्नल को डिस्टोर्ट ना करें। तो कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को बाईपास करता है, इसीलिए दो कैपेसिटर C1 और C2 जिनको हम डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं, इनको यहाँ पे हमने लगाया। यहां से तैयार कर ले वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज के साथ अपोजिट फेज में है। कॉमन बेस में ऐसा नहीं होता, कॉमन एमिटर में ऐसा होता है कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल अपोजिट फेज में होते हैं। पावर गेन का एक्सप्रेशन तैयार कर लें। फीडबैक एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर ये सीबीएसई वाले बच्चों को तैयार नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसको छोड़ दें, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ आरबीएसई वाला बच्चा है तो उसको पढ़ना होगा, उनको तैयार करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, मेरा सजेशन है कि पूरा का पूरा लेक्चर लॉजिक गेट्स का एक घंटे का है, वो देख लें, मेरे चैनल पर है लॉजिक गेट्स, एक बार पढ़ना काफी होगा, एक बार देखना ही काफी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा लॉजिक गेट्स। क्योंकि इस किताब से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने पहले नहीं जानते इसके बारे में, पढ़ा हुआ नहीं है, तो मुश्किल हो सकती है समझने में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉजिक गेट्स की चाहिए, जैसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ
अंदाजा लगा रहा हूँ, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो इस बार लॉजिक गेट से आएगा बच्चों, टाइमिंग डायग्राम पर बेस्ड हो सकता है। 14.11 इस चैप्टर से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक्सपेक्टेड है लॉजिक गेट से आएगा। ये सभी क्वेश्चंस 14.12, 13 ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट में खाली इतना तैयार कर लें कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ सर्किट कंपोनेंट, लॉजिक गेट्स, आईसी इसको हम बोलते हैं, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अगर लॉजिक गेट लेस देन 10 उसमें इन्वॉल्व है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन अगर लेस देन 100, लार्ज स्केल इक्वल टू लेस देन 1000 और वेरी लार्ज वीएलएसआई अगर 1000 से ज्यादा लॉजिक गेट सिंगल सिलिकॉन चिप पर मिलकर काम कर रहे हैं। लॉजिक गेट बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर है किसी डिजिटल सर्किट का। समरी में पॉइंट्स तैयार कर लें 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 तो 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 14 ये पॉइंट समरी के। 17, 18, 19 डायोड लेजर एक टर्म आई है, वही है लेजर डायोड जिसका इस्तेमाल आप करते हो गाय कुत्ते को परेशान करने के लिए, लाल रंग की वो जो लाइट होती है सेमीकंडक्टर लेजर होती है। पहले इसकी डिटेल कभी हुआ करती थी, सिलेबस से हट गई, तो डायोड लेजर बस नाम से फैमिलियरिटी होना काफी है कि वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। पॉइंट्स टू पॉन्डर में थर्ड पॉइंट तैयार कर लें। एक्सरसाइज में 14.3 कुछ बच्चे 14.7 को लेकर परेशान हो सकते हैं, अगर 14.7 अटेम्प्ट किया है तो मैं क्लियर कर दूं, पहले एक ग्राफ हुआ करता था जो हटा दिया है इन्होंने, पुरानी बुक में था ग्राफ तो ग्राफ हटा दिया। अगर वो ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूं तो 14.7 आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है जो पूछा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए जो वोल्टेज गेन है, क्या सभी फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट रहता है, हाई एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कांस्टेंट इन द मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज, लो एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट एट द मिड फ्रीक्वेंसी। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं वोल्टेज गेन और यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ देखते आपको क्लियर हो गया। हालांकि इसको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, 14.8 तैयार कर लें, 14.11 तैयार कर लें, 14.12 इसको समझ के तैयार करें 14.12 को, और नहीं समझ में आए तो छोड़ दें, छोड़ भी सकते हैं ठीक है, समझ में आ जाए तो कर लें, पीछे का सॉल्यूशन देखकर नहीं समझ में आए छोड़ दें, डजंट मैटर। 13, 14 बिल्कुल कोशिश भी ना करें, जरूरत नहीं है। 14.15, 14.16 लॉजिक गेट के सभी क्वेश्चन तैयार कर लें, 14.19 and that's all for today. Thank you, students.